हरियाणा रोडवेज चालक संघ के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर करनाल के मानव सेवा संघ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से रोडवेज चालक मौजूद रहे। इस मौके पर रोडवेज चालक संघ के प्रधान कृष्ण काद्यान ने बताया कि उनके संगठन को आज एक साल पूरा हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहां कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा उनके संगठन के लिए जो 10 बेहतरीन कार्य किए गए हैं, उसके लिए सरकार का आभार भी जताया गया है। उन्होंने कहा कि रोडवेज चालक संघ हमेशा चालकों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा चालक प्रशिक्षण के लिए जो रिटायर्ड चालक हटाकर नए मौजूदा चालकों को लगाया गया है, वह बेहतरीन कार्य है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार 4000 बस रोडवेज के बेड़े में देने का काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो रोडवेज के निजीकरण की बात की जा रही है, वह सरकार की इस नीति का विरोध करते हैं, क्योंकि रोडवेज का चालक अपनी मेहनत से रोडवेज को मुनाफे में लाने का काम करेगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि रोडवेज के जो चालक हैं, उनको इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट किया जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर के पद पर अगर चालक को प्रमोट करते हैं तो सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज चालक संघ का उद्देश्य है कि हरियाणा सरकार की कल्याणकारी नीतियों को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग को घाटे से उबार कर ऊपर लाए। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हरियाणा रोडवेज चालक संघ के चालक मौजूद रहे। जी, क्या नाम आपका और आप किस लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या उद्देश्य है? मेरा नाम कृष्ण काद्यान है, रोडवेज चालक संघ हमारी यूनियन है, और आज हमारा जो उद्देश्य है, ये आज चालक संघ का स्थापना दिवस है जो हम करनाल में मना रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से स्थापना दिवस के मौके पर पूरे हरियाणा से चालक इकट्ठा हुए हैं, और जो हमारे सरकार ने 10 काम किए हैं उसके एवज में भी हम सरकार के बधाई के पात्र हैं, और सरकार से विनती भी करते हैं कि भाई 4000 बसें हमें और दी जाएं। चालकों के जो 10 काम किए हैं उसके लिए बार बार धन्यवाद, और हम आशा करते रहेंगे कि आगे भी हमारा चालकों का सहयोग करें। नई यूनियन थी, नई यूनियन होने के नाते भी हमारे 10 काम निकले हैं, और इसमें चालकों में हौसला है, चालक काफ़ी उत्साहित हैं। क्या काम किए सरकार ने? जैसे हमारे 82 पोस्ट यार्ड मास्टर की वो हमारी स्वीकृत की हैं, उनकी प्रमोशन होने जा रही है, इसी महीने में उनकी प्रमोशन हो जाएगी, और 2 चालक ड्यूटी सेक्शन में लगाए हैं। सभी ट्रेनिंग स्कूलों में से जितने साथी रिटायर साथी थे उनको हटा करके अपने पुराने चालक साथियों को वहाँ पर एडजस्ट किया है, जिसमें 480 चालक वहाँ पर एडजस्ट हुए हैं। उसके बाद हमारे एक लाइसेंस का रिन्यूअल का मामला था, जिसमें हमारे 1000 रुपये लग जाते थे और प्राइवेट हमने ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, वो भी सरकार ने हमारी माफ़ करके अपने रोडवेज में ही चालू की है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक कैशलेस की सुविधा जो सरकार ने कर्मचारियों को दी है, उससे भी चालकों में और पूरे कर्मचारियों में राहत की बात आई है, ताकि सभी का इलाज अब फ्री हो सकेगा। जो रिटायर्ड थे उनको दोबारा लगाया? रिटायर साथी जो लगे हुए थे उनको हटा करके जो पुराने साथी हैं उनको एडजस्ट किया है सभी ट्रेनिंग स्कूलों में। तो अभी बसें कितनी कम है आपके यहाँ हरियाणा? हमारे यहाँ कम से कम 4000 बसें हैं यात्रियों को ढूंढने के लिए, हमारी 4000 बसों बिल्कुल कमी है आज के दिन। कोई मांग भी रखते हैं आप सरकार के सामने? सरकार के सामने मांग रख रहे हैं हम, प्रमोशन की मांग रख रहे हैं, चालकों का जो यार्ड मास्टर की प्रमोशन है खाली, और वो भी सीमित, मतलब सीमित से ही पद हैं, 53 पद थे आज तक हरियाणा में, 82 पदे कहने के बाद सरकार ने बढ़ाए हैं। इसके बाद हम चाहते हैं अदर स्टेट की तरह इसमें भी प्रमोशन जो है वो उसकी इंस्पेक्टर के पद पर की जाए। अदर स्टेट में इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन होती है, हमारी पे से सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ना, पे वो ही की वो रहनी है, सिर्फ उसका स्टेशन छोड़वाना है, सरकार से हमारी अपनी रही है बार बार। तो हरियाणा रोडवेज घाटे में क्यों जाता है? घाटे में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारे पास 53 कैटेगरी फ्री हैं और एक बस में 52 सीटें होती हैं, और जबकि 53 यात्री, मतलब वो फ्री कैटेगरी आ रही है इसमें,
जो वो फ्री कैटेगरी का हमारे पास सभी का सब्सिडी अगर हमारे पास आ जाए तो हम बिल्कुल घाटे में नहीं है, हम पूरी स्थिति में है। हमारे पास कंडम बसें इतनी खड़ी है, अगर भी आज भी 500 बस तो आज खड़ी कर सकते हैं। सरकार तो निजीकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, वो सरकार की मनसा जो है वो सरकार को पता है भाई क्या उसमें उनसे ज्यादा आमदनी है। कोई आमदनी नहीं है उनसे कोई आमदनी नहीं है, जब हमारे को तनख्वाह देनी पड़ रही है, सरकार का सरप्लस है, काम करने वाले उनके पास उपलब्ध है, क्यों नहीं बसें लाते। जब बसें हमारे पास कंडम बसें खड़ी हैं और उन कंडम को यदि बेच दें तो आज भी हमारी 500 बसें आ जाएं। रोडवेज के दूसरे संगठन निजीकरण का विरोध करते हैं, आपका संगठन क्या करता है? हम भी संगठन का विरोध करते हैं, मतलब निजीकरण का, निजीकरण के पक्ष में नहीं है हम, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गाज गिर रही है वो साल की सरप्लस हो रहे हैं, तो हम इसमें विरोध करते हैं, निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जब हमारे पास सब कुछ मौजूद है तो सरकार हमारे से क्यों नहीं कमवाना चाहती। आपका पूरा नाम? मेरा नाम कृष्ण कादयान है, मैं चालक संघ का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और सोनीपत से बिलोंग करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।